जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दर्शकों, हम बात करेंगे एक बार फिर से अयोध्या की। जी हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिसे जो सरकार है, जो यहाँ की न्यायपालिका है, वो लोगों के जहन से उतरने नहीं दे रही है। ये विषय कई सालों तक विवाद में रहा है और अब जब विवाद सुलझने की स्थिति आई, उसके बाद फिर एक नए विवाद ने जन्म लिया और फिर उसका पटाक्षेप भी कुछ अलग तरीके से हुआ है। तो ये विवाद क्या पूरी तरह से खत्म हो गया है या अभी भी इसमें सुगबुगाहट या थोड़ी सी अंगार या कहीं पर कोई चिंगारी बची है, हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले, जैसे ही कोरोना काल यहाँ पर भारत में शुरू हुआ और लॉकडाउन की शुरुआत हुई, उसी दौरान उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक उद्घाटन समारोह हुआ है और वो उद्घाटन था राम मंदिर के निर्माण के लिए। वहां पर भूमि पूजन हुआ और वहां पर जो खुदाई का काम शुरू हुआ ताकि मंदिर की नींव बनाई जा सके, और मंदिर की नींव बनाने के लिए एक विशेष समारोह भी किया गया। हालांकि उस समारोह की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि वो जो समय था वो था लॉकडाउन का और सारे लोग डरे हुए थे कोरोना की वजह से, और कोरोना का डर ज्यादा समाया हुआ था और यही कारण था कि उस इवेंट की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन उसके बाद कुछ तस्वीरें बाहर आई, उन तस्वीरों में जो चीजें उस खुदाई के दौरान वहां पर जो नींव की खुदाई हो रही थी, वहां से जो अवशेष निकल रहे थे वो थे बौद्धकालीन अवशेष, और उनकी तस्वीरें भी बाहर आई और उन तस्वीरों की वजह से एक भूचाल सा आया बौद्ध समाज में, जिसमें कुछ जो लोग हैं, जिसमें बहुत सारे भंतेगण भी शामिल थे, भिक्खुगण भी शामिल थे, उन्होंने दावा प्रस्तुत किया और एक तरह से वहां पर आंदोलन भी किया कि यहाँ मंदिर का निर्माण न हो, यहाँ पर बौद्ध विहार का निर्माण हो। और उसके लिए किस प्रकार से उन्होंने दावा प्रस्तुत किया ये तो नहीं जानते, लेकिन कुछ भंते लोगों ने पिटीशन भी और कुछ और भी लोगों ने पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत किया, जहां से वो दावा खारिज हो गया। अब ये क्यों हुआ, इसके बाद एक बार फिर से बेचैनी बढ़ी बौद्ध समाज में, और वो बेचैनी कैसी थी इस पर भी हम बात करेंगे, और आज क्या स्थिति है, क्या दावे सारे खारिज हो चुके हैं, ये सारी बातें जो चली आ रही हैं। क्योंकि जब दावा खारिज हुआ तो साथ ही जो कोर्ट के जजेस थे, जजेस ने ये कहा कि इस जगह के लिए इस प्रकार की उटपटांग याचिकाएं दायर न की जाए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही जजेस ने उन लोगों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब आप ये देखें कि इसके तह में क्या था, वाकई क्या सारे दावे खारिज हो चुके हैं या वो दावे सिर्फ खारिज होने के लिए वहां पर प्रस्तुत किए गए थे, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त भदंत आनंद महाथेरो हैं, जो कि भिक्खु महासंघ से संबंधित हैं। साथ ही हमारे साथ राज रत्न अम्बेडकर हैं, जो कि बाबा साहब के परपौत्र भी हैं और साथ ही तिब्बती सोसाइटी ऑफ इंडिया के इस वक्त अध्यक्ष भी हैं। हम इन दोनों से जानेंगे क्योंकि राजरत्न जी ने भी एक पिटीशन वहां पर दायर कर रखी है। हम इन दोनों से जानेंगे कि इस मामले की हकीकत आखिर में है क्या। तो शुरुआत करते हैं, हम इस वक्त उनसे जुड़ते हैं सीधे, जो इस वक्त दिल्ली में है। भदंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुधीर जी, काफी समय के बाद मैं आपको देख रहा और बातचीत कर रहा हूँ, तो पुनः आपके चैनल के दर्शकों को अपनी मंगल कामना प्रदान करता हूँ, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। जी, जहां तक, हाँ बोलिए, बोले 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 बोले, जहां तक ये मामला जो चल रहा है राम जन्मभूमि का, और जिसमें भिक्षुओं ने भी पिटीशन दायर किया, जुर्माना लगा, मैं विगत 20 साल से ये कहता आ रहा हूं कि राम का कभी भी अयोध्या में जन्म नहीं हुआ, लेकिन
हमारे देश के लोगों की ये हर धर्मी है जी। ये देश धर्मनिरपेक्ष है जी। एक आदमी ये कहता है कि भगवान है, मैं कहता हूं नहीं है, तो उसमें उसको बौखलाने की क्या आवश्यकता है। जब मैं उसकी बात को शांति से सुन रहा हूं तो उसे भी शांति से सुनना चाहिए जी। मेरा प्रश्न ये है, राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में भूमि को समतल करते समय, खुदाई होते समय जो अवशेष निकल रहे हैं वो बौद्धों के हैं। तो मैं पूरे देश के लोगों से ये जानना चाहता हूं कि जब वहां बौद्धों के अवशेष निकल रहे हैं और वो राम जन्मभूमि है, तो राम के जन्म काल से लेके उनके मृत काल तक एक भी अवशेष तो वहां निकलना चाहिए। यदि नहीं निकल रहा है तो फिर हर धर्मी से ये कहना कि ये राम जन्मभूमि है, पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, राम एक पहेली है जी। मेरा ऐसा मानना है, बल्कि मेरा ऐसा मानना नहीं है, बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रामकृष्ण पहेली लिखा किताब, बहुत बड़ा बवाल हुआ देश में जो उन्होंने कल्पना का पात्र माना। हमारे देश में ललई सिंह पेरियर अर्जक संघ का बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, पहले वो मिलिट्री में रहे, बाद में वो सामाजिक यानी कार्य करने के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने एक किताब लिखी सच्ची रामायण, एक लिखी उन्होंने रामायण की कुंजी, उसको भारत सरकार ने नहीं, हमारे देश के उत्तर प्रदेश की जो उच्च अदालत है उसने उसको जब्त करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो निचले कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जीता और उन्होंने सिद्ध ये किया कि राम नाम की बात करना मात्र कल्पना है, धोखा है, बेईमानी है, हठधर्मी है, बदमाशी है, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है, कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है जी। उसके बावजूद भी लाल किशन अडवाणी ने अपनी रथ यात्रा के माध्यम से देश में एक ऐसा माहौल बनाया कि ये राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि है, और कालांतर में उसको तोड़ दिया गया। अब यह प्रश्न ये पैदा होता है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला दिया गया ललई सिंह यादव की पुस्तक पर कि राम नाम का व्यक्ति यहां पैदा नहीं हुआ, और दूसरी तरफ रामलला को वो जमीन दे दी गई, तो मैं तो उच्चतम न्यायालय के जजों की भाषा परिभाषा को नहीं जानता, एक बौद्ध भिक्षु हूं, कानून से मेरा कोई वास्ता नहीं है और ना ही मैं उनके किसी आदेश पर टिप्पणी कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एक ही बात को जज दो बार कैसे कह सकते हैं, एक बार कह रहे राम नहीं है, एक बार कह रहे रामलला को जमीन दे दी गई। यह तीसरा प्रश्न मेरा ये है, जब से ये केस चला और जब से लेकर के जजमेंट की अंतिम तारीख तक, क्या रामलला एक बार भी अदालत में आए? क्या रामलला के नाम से कोई नोटिस दिया गया? क्या रामलला ने कभी सुनवाई के समय अपने आर्गुमेंट किए? क्या रामलला ने कभी कोई उसका जवाब दिया? तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि उस जगह पर पूरा देश ये जानता है रामलला स्थापित किए गए, फिर उनके पूजा स्थल का ताला लगाया गया, फिर उस पूजा स्थल का ताला खोला गया। तो मेरा प्रश्न ये है, अंग्रेजों के जमाने में एजिट रखने की जब बात थी तो फैसला था हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस लैंड, तो अदालत ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था, मेरी भाषा नहीं है ये, कि यहां अदालतों में फैसले दस्तावेजों के आधार पर होते हैं, भावनाओं के आधार पर नहीं होते हैं जी। मैं समझता हूं हमारे देश की सरकार ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, लोगों को भयभीत किया, लोगों में भय पैदा किया, डराया लोगों को कि एक भी आदमी इस संबंध में बोलेगा देशद्रोही होगा, वो जेल जाएगा, लोग शांत रहे और फैसला भावनाओं के आधार पर दे दिया गया। तब मैं देश के लोगों से ये जानना चाहता हूं, लोगों को स्वयं समझना चाहिए जी, कृष्ण भूमि भी आज खोदी जाए तो वहां भी कृष्ण का अवशेष नहीं मिलता, बुद्ध का अवशेष मिलता है जी। और मेरा चैलेंज है ये बुद्ध भूमि जहां पुष्पमित शुंग ने बृहदत्त राजा की हत्या करने के बाद भारत की धरती पर बौद्ध धर्म को नष्ट कर ब्राह्मण संस्कृति को स्थापित करने का जो प्रयास किया, जिसमें जब से लेके अब तक जो भी लोग एड़ी चेटी का जोड़ लगाए हैं, हमारी सरकार है, आरएसएस है, वो जो कह रहे हैं कि हम हिंदू गणराज्य पैदा करेंगे, मैं ये कह सकता हूं
आज तक वो अपने इस कार्यक्रम में सफल नहीं हुए, और आज भी देश का प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाता है तब वो ये कहता है मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ, यानी प्रधानमंत्री जी भी स्वीकार करते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। और आदित्यनाथ योगी भी अगर कोई विदेशी आता है तो बुद्ध की प्रतिमा उसको भेंट करते हैं। फिर मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, वही फिर ये कहते हैं कि हम हिंदू गणराज्य स्थापित करेंगे, पहले मुझे कोई ये बताए ये हिंदू शब्द क्या वेदों में है, पुराण में है, उपनिषद में है, गीता में है, भागवत में है, कहीं है? तो कोई भी देश का मनीषी ब्राह्मणी संस्कृति का मानने वाला या जगत गुरु शंकराचार्य पहले ये बताए ये हिंदू शब्द आया कहां से। मृणाल माता जिसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए 6 वरदान भगवान बुद्ध से मांगे थे, अश्वघोष वो काव्य का बहुत बड़ा कवि वही का रहने वाला था, साकेत एक नगरी थी, श्रावस्ती नरेश ने जब गौ हत्या पर या जानवरों पर उन्होंने उनका जो हत्या करने पर प्रतिबंध लगाया तो वो अवध हो गया जहां किसी का वध नहीं हो, काला दर्भ है अभ्रंश भाषा के द्वारा, फिर कोई अयोध्या हो गया जहां कोई योद्धा नहीं हो। तब प्रसिद्ध ये है मदन तारण कौशल्या ने किताब लिखी, उन्होंने लिखा राम की कहानी राम की जबानी, मेरी बात तो नहीं है, कौशल्या की बात है। सुरेंद्र अज्ञात जिन्होंने लिखा हिंदू हारों की दास्तान, तुलसी हिंदू धर्म के पथ भ्रष्ट, ये उनकी लिखी हुई किताब है। क्या इनमें दम है देश के नेताओं में या जगत गुरु शंकराचार्यों में उन किताबों को जब्त कराने की? जो है हकीकत ये है तानाशाही से दादागिरी से इनके अब्बा इनके पिताजी उनके पिताजी आज तक बौद्ध धर्म को नष्ट नहीं कर सके, तो अब ये क्या करेंगे? दूसरा, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान की रचना की उसमें धम्म चक्र का होना जी, उसमें सम्राट अशोक की मुद्रा का होना इस बात का प्रतीक है कि इनको हजम नहीं हो रहा है। वो सीधा सीधा संविधान के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हैं, इसलिए राम मंदिर के निर्माण के माध्यम से लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं ये है वो राम का भव्य मंदिर जिसके लिए हमें इतने बरस तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन मैं कह रहा हूं इस बात को बहुत जल्द ही, अभी ये लॉकडाउन लगाया है, बहुत जल्द ही भिक्षुओं की मीटिंग करके एक प्रस्ताव पारित करने वाला हूँ बहुत जल्दी कि भारत की धरती पर जितने भी पुराने मंदिर है उनको बुद्ध विहार को तोड़ करके बनाया गया है, इसलिए हम ये मांग करेंगे ये सारे के सारे मंदिर बुद्ध विहार है और इनको ये सरकार सरकार के नुमाइंदे देश के ब्राह्मण संस्कृति के मानने वाले लोग ईमानदारी से बौद्धों को प्रदान करें। नहीं तो हम ये कहेंगे बेईमानो जब तुम अपने घर को किसी को छोड़ने को तैयार नहीं हो तो ईमानदारी से जिनके घरों में तुम घुसे हो तुम उसे वापस कर दो, नहीं तो दुनिया के लोग तुमको थूकेंगे। और इसमें एक जो नाम जुड़ा हुआ है वो है राजरत्न अम्बेडकर जी का, जो कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परपौत्र भी हैं, और आप का नाम जुड़ा होना और फिर पिटीशन के खारिज होने की बात, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोगों में कौतूहल का विषय है, साथ ही कुछ निराशा का विषय भी है। हमारे साथ है इस वक्त राजरत्न अम्बेडकर जी हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मसला है क्या, क्या वाकई बौद्धों का जो दावा था वो खारिज हो गया या बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन अभी भी हैं? जी, सबसे पहले तो सुधीर मेश्राम जी मैं आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय और सभी दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो दावा खारिज हुआ है ये बौद्धों का दावा खारिज नहीं हुआ है, वो दो पिटीशंस जो 11 पिटीशंस डली है उनमें से 2 पिटीशंस खारिज हुई है, बौद्धों का दावा अब भी बना हुआ है, अलग अलग संस्थाओं ने मिलकर ये दावा किया है। मैंने सबसे पहले तो मैं इसका पूरा इंट्रोडक्षन बता देता हूँ, ये पूरा षड्यंत्र क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दावे आते हैं, खारिज होते हैं, उसमें ये एक न्यायालयीन प्रक्रिया है। अगर उस किसी पिटीशन में सही में कोई तथ्य है तो वो चलते हैं, अगर तथ्य नहीं है तो खारिज होते हैं। लेकिन मैं
उस मुद्दे पर बाद में आता हूं, पहले तो ये मुद्दा लेकर आते हैं कि एक पूरा देश जहां पर लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, पूरे कहीं पर भी सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को ही आना जाना और वो सब चल रहा था, लेकिन इन हालातों में भी राम मंदिर बनने का काम चल रहा था। ठीक है, हमको आप मंदिर बनाओ या शौचालय बनाओ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक कानून और एक इस देश में बना हुआ है जो खुद सरकार ने बनाया हुआ है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के नाम एक अलग संस्था है, उसका एक अलग कानून है। किसी भी जमीन से, ना सिर्फ साकेत के उस जमीन से, भारत में किसी भी जमीन से अगर बहुत अवशेष मिलते हैं तो वो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का हद वहां से शुरू हो जाती है, वो उनका मुद्दा शुरू हो जाता है और फिर वो वहां जाकर उस जमीन को, जमीन के ऊपर वो एक्ट लागू करते हैं। हमारा यही मानना था कि वहां से अगर बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को वहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए। आज जो दो पिटिशंस खारिज हुई है, मैंने उसी समय में ये बताया था कि देखिए, क्योंकि कैसा है, एक घर का वैदी लंका ढाए ऐसे कहते हैं, तो यहाँ पर बाहर के लोग ये बीजेपी और आरएसएस के हस्तक होने का काम भी कर रहे थे। मैंने फेसबुक पे एक वीडियो भी रिलीज किया था कि कुछ लोगों से हमको सावधान रहना है, ये लोग प्लांट किए हुए हैं और ये खुद पिटिशंस डालेंगे और इस तरह के मुद्दे रखेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट में ये दावा टिक नहीं पाए। तो ये वही हुआ और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग संस्थाओं ने पिटिशंस डाली हुई है, लेकिन पिटिशंस कौन सी सुनवाई के लिए आगे आ रही है जिसमें कोई तथ्य नहीं है। जैसे ये दो पिटिशंस मेरी हमारे एडवोकेट से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि ये जो पिटिशंस है ये वो रद्द ही होने वाली थी। उन्होंने कोई कहीं पर प्रेयर में ये नहीं लिखा है कि वो बौद्ध अवशेष है या बौद्ध स्तूप है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है वहां वो वहां पर खुदाई चल रही है, तुमको उससे क्या लेना देना है, यही उनका कहना था। और सुप्रीम कोर्ट में वो दो जो पिटिशंस गई है, एक पिटिशन तो अरुण जेटली के बेटी ने फाइल किया हुआ है, एडवोकेट अरुण जेटली की बेटी है। तो सोचिए, ये ऐसे लोग अगर बौद्धों का आंदोलन चलाते हैं तो जो निर्णय आया उसके अलावा और कोई निर्णय आ नहीं सकता था। लेकिन ये सिर्फ, मैं आपको सभी देश के लोगों को यही बताना चाहता हूं, ये दो पिटिशंस खारिज होने का मतलब पूरे बौद्धों के पिटिशंस खारिज नहीं हुई है। हमारी पिटिशंस अब भी लगी हुई है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज के लिए वो रजिस्टर लेवल पर अटकी हुई है। तो डिस्क्रिपेंसीज भी क्या होता है, पेज की मार्जिन ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, यहाँ पर ठीक से साइन। तो ये जो छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसीज है उसके लिए वो नेक्स्ट एक लेवल पर अटकी हुई है। ये लेवल क्लियर होते ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी पूरा फंक्शनिंग नहीं कर रहा, सिर्फ 5 केसेस उठाए जा रही है सुनवाई के लिए ली जा रही है। हमारी केसेस भी आगे चलकर, पिटिशंस भी ये सुनवाई के लिए आएंगे। और हमारा यही मुद्दा है, हम कहीं किसी मंदिर का ऑपोजिशन नहीं कर रहे कि हम इस मंदिर को नहीं होने देंगे। हमारा यही कहना है कि यहाँ पे बुद्धा के अवशेष मिल रहे हैं, बुद्धा के स्तूप मिल रहे हैं, और ये अगर स्तूप मिल रहे हैं तो ये देश का ही कानून है कि ऐसा कोई ये मिलता है, आर्टिफैक्ट्स मिलता है, तो वहां पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को हस्तक्षेप करना चाहिए। और हमारी ये मांग है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के निगरानी में, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के निगरानी में वो खुदाई हो। अगर आप वहां पर कुछ नहीं करना चाहते तो वो बुद्धा के अवशेष हमें दे दे, हम कहीं और जाकर बुद्धा का वो सारा अवशेष जतन करने का हम काम करेंगे। अगर आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया ये नहीं कर सकता तो हम करेंगे, यही हमारी मांग है। हमारी मांग कहीं पर ये नहीं है कि हम मंदिर नहीं बनाने देंगे। अरे जिस पिटिशन में या जिस दावे में इतना बड़ा ये सारे लोग लगे हुए हैं, जिसने ये जजमेंट दी, उनको राज्यसभा दी जा रही है, पूरे विश्व, पूरे भारत के ये जो लोग इसके ऊपर दबाव डाले हुए हैं, वो हमारे पिटिशन से उस जमीन पर का दावा कैसे मिटाएंगे। और आरएसएस पूरा देश इन्होंने उसी काम के लिए लगाया हुआ है, तो ये मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन मैं, हमारी यही कोशिश है कि
कि वो जो बुद्धा के अवशेष है अगर आप जतन नहीं कर सकते, ये भारत सरकार अगर जतन नहीं कर सकता, तो हम लोग वो जतन करने के काबिल है, वो हम लोगों को दिए जाए, हम अलग से कहीं पर वो उसका जतन कर देंगे, ये हमारी मांग है। जी जी जी, एक वाकई बहुत ही अच्छी मांग है कि ये इस तरह से हम अगर जाते हैं तो इसका निश्चित रूप से एक अच्छा उद्देश्य भी समझ में आता है। यहाँ पर राजनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये जो स्थिति है, ये वर्तमान की अगर स्थिति हम देखते हैं तो बौद्धों की बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, बुद्ध गया का आंदोलन भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसका कोई खास जो उसमें अचीवमेंट भी हम नहीं पाते हैं, एक लंबे समय से चल रहा है कि बौद्धों को वो वहां का मैनेजमेंट दिया जाना चाहिए, आज भी वो हिंदुओं के हाथों में है, तो क्या आपको लगता है कि आंदोलनों के हश्र जो हैं वो इस तरफ क्यों हो जाते हैं, ऐसे क्यों हो जाते हैं? नहीं देखिए, अभी कैसा है, हम लोग जब आंदोलन की हम लोग तो परिभाषा ही नहीं समझते, हम लोगों को जो हासिल करना है, जो गोल है, वो हमारा प्राइम होना चाहिए, वही हमारा मुख्य होना चाहिए लक्ष्य, लेकिन हमारा लक्ष्य भटक जाता है, फिर होता क्या है कि मैं आंदोलन कर रहा हूं या कोई और आंदोलन कर रहा है, हम अगर हमारा सबका उद्देश्य बौद्ध गया मुक्त करना है तो हमको ये नहीं देखना है कि वो बंते सुरई ससाई के माध्यम से मुक्त हो रहा है कि बंते आनंद के माध्यम से मुक्त हो रहा है, यहाँ पर हो क्या जाता है, बौद्ध गया बाजू में रह जाता है, आपकी लीडरशिप बड़ी है या मेरी लीडरशिप बड़ी है, हमारा जो लक्ष्य है वो भटक जाता है और इसलिए आज तक हम लोगों को ये रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। मेरी आज भी सभी देश के लोगों से यही प्रार्थना है कि हमको यहाँ से अपनी लीडरशिप नहीं चमकानी है, लीडरशिप चमकाने के लिए और अलग मुद्दे हैं, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। बुद्धा के देश से जहां पर नरेंद्र मोदी पूरे भारत के बाहर जाकर कहते हैं कि ये मैं बुद्धा के देश से आया हूँ, उसी देश में अगर बौद्ध बुद्धा के अवशेषों को अगर जतन नहीं कर सकते हैं तो हमारे जैसे नालायक कोई नहीं होंगे, तो इसलिए आज लीडरशिप के बारे में हमको नहीं देखना है। देखिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जब हमें ये काम कर रहा हूं तो हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को प्राइम रख रहे हैं, मैं अपनी ओर से भी ये पिटीशन डाल सकता था लेकिन मुझे अपनी लीडरशिप के लिए काम नहीं करना है। मैंने ये जो अयोध्या का रिजल्ट भी नहीं आया था, इसकी जजमेंट भी नहीं आई थी, तब भी मैंने अपने जो पिटिशनर्स थे, इंटरविनर थे, मैंने उनको भी विनती की थी कि आप अगर मुझे फाइल देते हो, पेपर्स देते हो, मैं बेस्ट से बेस्ट सुप्रीम कोर्ट का लॉयर आपको अपने दावे के लिए देना चाहता हूं, लेकिन उनको लगा कि अगर राजरत्न अंबेडकर के हाथ में ये पेपर्स दे दिए तो इनकी इनका गुणगान हो जाएगा या इनके इनका नाम चमक जाएगा, और फिर इसमें उन्होंने पेपर्स ही नहीं दिए। मैं अगर अच्छे से अच्छा लॉयर, आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे बेस्ट लॉयर्स हैं, अगर नई भी है तो उनकी अगर 5 लाख की फीस है, 10 लाख की एक दिन की भी अगर फीस है ना, तो भारत के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के बुद्धिस्ट हमारे अंबेडकराइट लोग इतने स्ट्रांग है कि एक दिन का उसका 10 लाख का भी फीस है ना तो भी हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको न्याय मिलना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि कोई पिटीशन डाल देता है और वो अपनी इंफॉर्मेशन तक भी शेयर नहीं करना चाहता, और इसलिए फिर बौद्ध गया तो छोड़ो, इस राम मंदिर के मामले में भी बौद्धों को उनके पक्ष में ये निर्णय आ सकता था अगर हम ठीक से लड़ पाते तो, लेकिन अब वो तो उससे हम लोग आगे चले गए तो उसके ऊपर बहस करके कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब भी हमारे हाथ में एक बात ये आई है कि अभी तो सिर्फ एक थोड़ा सा खुदाई हुआ तो बुद्धा के अवशेष मिले हैं, पूरे वर्ल्ड से जब प्रेशर आया, देखिए मीडिया, भारत का मीडिया कैसे काम कर रहा है, अब जब 2 पिटीशंस बौद्धों की रिजेक्ट हुई है तो सारे मीडिया में हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण, नेशनल पेपर्स में, न्यूज़पेपर में ये बात आ गई कि बौद्धों का दावा रिजेक्ट हो गया है, खारिज हो गया है, ये न्यूज आ गई। लेकिन जिस दिन बौद्धों के एप्लीकेशंस की वजह से समतलीकरण का काम रुक गया, तब यही मीडिया एक छोटा सा कॉलम उन्होंने लिखा और क्या किया कि चाइना से हो रहे वॉर के इसलिए हम ये समतलीकरण का काम रोक रहे हैं। देखो मीडिया भी कैसा काम करता है, जब बौद्धों के वजह से समतलीकरण का काम रुका
तब मीडिया कहता है कि चाइना के वजह से रुका, और जब बौद्धों का दावा 2 पिटीशन खारिज हुए हैं 11 में से, तब मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बौद्धों का पिटीशन खारिज हो गया, उनको फाइन लगा दी, उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी। देखो किस तरह से काम हो रहा है। देखो मैंने शुरुआत में बताया पिटीशन डलते हैं, खारिज होते हैं, अगर उसमें कोई तथ्य है तो ठीक है, हमको इससे डर नहीं है, हम उससे उसको फेस करने के लिए तैयार है। अगर हमारे हमारे पिटीशन गलत है, खारिज होती है तो ठीक है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रवैया देखिए कैसे हो गया है। आपने पिटीशन डाली, और पिटीशन आपने राम मंदिर के खिलाफ क्यों डाली ये उनके दिमाग में है, तो वो खारिज तो कर रहा है, उसके बाद 1.5-1.5 लाख रुपए का फाइन लगा रहा है, और उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इनको इतनी हिम्मत हुई कैसे कि ये पिटीशन दायर करने की, इनको पैसा कहां से आया, कहीं दुश्मन देश ने तो नहीं दिया है, पाकिस्तान से तो इनको फंडिंग नहीं हो रही है, पता करवाओ और इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बिठाओ। अब ये दो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर सीबीआई इंक्वायरी बैठती है तो कोई भी आगे चलकर ये अपनी पिटीशंस, अपनी आवाज सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठाए, इस तरह का ये सुप्रीम कोर्ट का रवैया शुरू हो चुका है, और ये आगे चलकर कोई भी अपनी आवाज, कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ ना डाले, ये सब चल रहा है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, बौद्धों के सिर्फ 2 पिटीशंस खारिज हुए हैं, और वो भी इसलिए खारिज हुए है क्योंकि वो खारिज करवाने के लिए ही डली गई थी। जी जी जी, वही वही यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये खारिज करवाने के लिए ही डलवाई गई थी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि उनके वकील वो थे जो खुद उस दल से संबंधित हैं, तो और वो भी ये दौर जब कोरोना का काल चल रहा है और वहां पर खुदाई चल रही है आगे चलकर, क्योंकि उस वक्त जो उन्होंने उद्घाटन का भी एक किया था, उस वक्त शुरुआत में उन्होंने भूमि पूजन वगैरह भी किया था, वो बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि उसका उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो कोरोना की वजह से सब लोगों का ध्यान कोरोना की तरफ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ओर और उस मुद्दे को जीवित रखने के लिए या वो सुर्खियों में बने रखने के लिए कहीं ऐसा तो इस तरह से नहीं करवाया गया, कहीं जानबूझकर ये पिटीशन डलवाया गया। मैं ये आपसे पूछने ही वाला था कि राजनीति आपको कहाँ नजर आती है इसमें। देखिए कैसा है, एक मीटिंग भी हुई है मिस्टर मोदी की जो आज शेड्यूल कास्ट की ओर से राज्यसभा जिनको दी गई है, और इनकी ये डील हुई है कि आप इस तरह के मुद्दे उसमें उठाओ ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में ये खारिज हो। तो ये बहुत ही पेचीदा मामला है। मैंने तो शुरुआत में ही लोगों को बता दिया था कि आरएसएस के ओर से हमारी हमारे पक्ष में ये पिटीशन जाने वाली है। जैसे मैंने हमेशा ये मीडिया में बताता हूं, आज भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से 2 पिटीशंस है, एक तो मैंने डाली हुई है और एक पीजी ज्योतिकर के नेतृत्व में डाली हुई है। पीजी ज्योतिकर ये सभी लोगों को पता है, आप लोगों को पता है, आप लोग गूगल कर लो, पीजी ज्योतिकर विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष गुजरात के रह चुके हैं, उनका बेटा अब इस गवर्नमेंट में गुजरात का प्रवक्ता है। तो ऐसे लोगों के हाथों में अगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से पिटीशन हो तो सोचिए इसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा। ये इसकी फ्रीक्वेंसी बीजेपी जब चाहे बढ़ा सकती है, जब चाहे कम कर सकती है। तो ऐसे लोग इस मूवमेंट में कूदे हुए हैं, जब चाहे वो, अगर हम आज प्रॉपर बुद्धिस्ट अगर इसमें नहीं कूदे होते, इसमें नहीं पिटीशन डाली होती, तब सोचिए कि ये 2 पिटीशन के भरोसे पर अगर हम बैठते तो आज सही बौद्धों का दावा खारिज हो गया होता। लेकिन आज बौद्धों का दावा खारिज नहीं हुआ है, ये 2 पिटीशंस का दावा खारिज हुआ है। इसके बाद हमारी असली पिटीशंस जब बोर्ड पर आएगी तब सही में ये टक्कर होगी, तब सही में ये सारा मामला बोर्ड पर आएगा निश्चित रूप से। तो हम ये मान के चलते हैं कि, और तमाम दर्शकों को भी हम ये बताना चाहेंगे कि वो डमी पिटीशंस जानबूझकर डलवाई गई थी ताकि बौद्धों का मनोबल भी गिरे और जनता में ये संदेश जाए कि राम मंदिर के खिलाफ वो पिटीशन चुकी थी इसलिए खारिज हो गई, और बहुत सारी बातें इससे जुड़ जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम बौद्ध जनता से और भारत की जनता से कि इस प्रकार के मामलों में, खासतौर से जब खुदाई में भारत में कहीं पर भी बुद्ध निकलते हैं और जगह जगह हम मंदिर भी देखते हैं वहां पर भी बौद्धों की मूर्तियां ही नजर आती है अगर आवरण को हटा दिया जाए, तो बहुत सारे ऐसे अभी भी कई मंदिर हैं जहां पर बुद्ध के की प्रतिमा को अभी भी अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, तो
तो ऐसे में क्या आवश्यकता आपको लगती है कि एक जन आंदोलन या एक जन जागरूकता इस पर भी होनी चाहिए? देखिए, अब बुद्धा के इन स्टैच्यूज पर बहुत पहले ही कब्जा हो चुका है। अब ये कब्जा, जैसे आप साउथ में मूर्ति देखते हो, तिरुपति बालाजी बना रखा है उसको, जैसे हमारे महाराष्ट्र में विठल पंडरपुर का मंदिर देखते हो, ये सारा बौद्धों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उसके ऊपर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इसको भगवान बनाकर वो प्रेजेंट कर रहे हैं। चलो, वो तो अब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो तो हम लोगों को आंदोलन करके अपने पास रखना चाहिए। हमारा बौद्ध गया का इतना बड़ा धरोहर है, पूरा विश्व बौद्ध गया को देखता है, वहां पर पूरे विश्व के, आप बिहार में गए होंगे, वहां पर हर एक देश के वहां पर एक एक विहार बनाए हुए, चाइना का विहार है, थाईलैंड का विहार है, जापान का विहार, पूरा वर्ल्ड आपको उस बौद्ध गया में आपको वहां मिल जाएगा। लेकिन बौद्ध गया के अंदर क्या चलता है, वहां पर ब्राह्मण बैठता है, होम हवन बुद्धा को सामने रखकर वो पिंडदान करता है। हम वहां पर गए और उनको हमने बताया ये क्या कर रहे हो, ये तो बुद्धिज्म में नहीं है, तो वो वहां से भाग गए, हम लोगों को शूट करने नहीं दिया। और एक बौद्ध गया में एक वहां पर और कोई गुफा है, छोटी छोटी गुफाएं हैं, तो हम वहां पर गए और जिस तरह से हमारे घरों में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये सारा दीवार को ढका गया है, तो मैंने देखा ये तो गुफा है, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या काम। तो मेरे पास जो चाबी थी, उस चाबी से मैंने जो दीवार को रगड़ा, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे जैसे गिरने लग गया, उसके पीछे से बुद्धा की इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां सामने आने लग गई। पूरे दीवार पर बुद्धा है, लेकिन उसके ऊपर पोत ये प्लास्टर लगाकर उसको मिटाया जा रहा है। तो ये भारत में बुद्धा के नगरी में हो रहा है, और भारत का प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके कहता है कि हम बुद्धा के देश से आए हैं, हमने बुद्धा दिया, ये तो बुद्धा को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ साकेत के ही नहीं, बौद्ध गया के मुक्ति का भी आंदोलन हमको शुरू करना चाहिए। आज ये जो ब्राह्मण, चार ट्रस्टीज ब्राह्मणों के वहां पर बने हुए हैं, अगर किसी सिखों का गुरुद्वारा है तो वो सिखों की ट्रस्ट उस पे काम करती है, अब ये राम मंदिर की ट्रस्ट बनाई गई है तो सब ब्राह्मणों को और हिंदुओं को उसमें लिया है। यानी आपको आपके ट्रस्ट में भी हिंदू चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, और हमारे ट्रस्ट में भी आपको ब्राह्मण चाहिए, ये कौन सा न्याय है? कृष्णों के चर्चेस कृष्णों के हाथों में है, गुरुद्वारा सिखों के हाथ में है, सारे मदरसे मुस्लिमों के हाथ में है, तो फिर बौद्ध गया ही ब्राह्मणों के हाथ में क्यों है? वो बौद्धों के हाथ में दिया जाए और वहां से प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए, ये भी एक आंदोलन बौद्धों को उठाना होगा। ये दोनों, सिर्फ साकेत ही नहीं, बौद्ध गया के मुक्ति का भी आंदोलन हम लोगों को चलाना चाहिए। और मैं बौद्धों से यही प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने इगोस छोड़कर, लीडरशिप किसी की आगे आए नहीं आए वो तो उसके लीडरशिप की परीक्षा है, वो अगर लीड कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो वो खुद ही जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम लोगों का मुद्दा प्राइम है कि हम लोग जिस आंदोलन के लिए जुड़े हैं, हमारा उद्देश्य मुख्य होना चाहिए, वो कौन लेकर चल रहा है ये हमको नहीं देखना है। जैसे रिले रेस में एक हाथ में मशाल लेकर जो कोई भागता है, कौन वो मशाल लेकर भाग रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मशाल अपने स्थान तक को पहुंचनी चाहिए, ये हमारे लिए मुख्य है। और इसलिए वो किसके हाथों में है ये नहीं देखना है, जो उसको लेकर भाग सकता है उसके हाथ में वो देनी चाहिए, और अपने उद्देश्य, अपने सिक्योरिटी, अपने सेफगार्ड्स हम लोगों को सेफ करने चाहिए। और इसलिए बौद्धों को, पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के बौद्धों से मैं अपील करना चाहूंगा कि हमको अपने अस्तित्व की, अब हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आज अभी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के रवैये को देख रहे हैं, एक दो दिन में हम पूरे वर्ल्ड से अपने उनके उनके देशों के एम्बेसीज में सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये के खिलाफ, ये डेमोक्रेसी को किस तरह से ये खत्म कर रहे हैं, ये मेमोरेंडम सारे एम्बेसीज में हम लोग देने वाले हैं। तो ये था आज का कार्यक्रम, और हमने इसमें देखा और जाना कि किस तरह से वो जो याचिकाएं खारिज हुई हैं वो खारिज होने के लिए ही लगाई गई थी, और उसके पीछे भी बीजेपी का हाथ था। बीजेपी ने ये याचिकाएं खुद अरुण जेटली की पुत्री से लगवाई थी, जो कि खुद उसके वकील थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अरुण जेटली की पुत्री, जो कि उस मामले की वकील थी, उनकी वजह से ये मामले खारिज हो गए हैं, ऐसा जो कि अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका, राजनाथ जी आपका, और साथ ही बंते जी
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक।